नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है, जिस कारण से अस्पतालों पर भी बोझ कम है। स्टेट कोविड 19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी ने कहा कि फिलहाल कई जिलों में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर ध्रुव ने बताया कि हरियाणा में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस NCR एरिया में फैला था, जिसकी चपेट में प्रदेश के गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे जिले आए। दिल्ली में पीक आने के बाद अब इन जिलों में भी स्थितियां सामान्य हो रही हैं। फिलहाल हरियाणा के रेवाड़ी, पंचकुला, रोहतक और पानीपत आदि जिलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही डॉक्टर ने कहा कि जिस तरह का भय अप्रैल और मई के दौरान था, वह कम हुआ है। अब सरकार के दिशा निर्देश अनुसार हम मरीजों को होम आइसोलेशन में भेज रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उम्मीद है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। बता दें कि बुधवार को हरियाणा में कोरोना के 755 नए मामले सामने आए, वहीं 662 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब कोरोना मरीजों की कुल संख्या 33,631 हो गई है। एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 6,798 है, वहीं 413 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट काफी अच्छी है। प्रदेश की रिकवरी रेट 78.56% है। आपको बता दें कि हरियाणा में अगले 10 दिन में 9 नई कोरोना टेस्टिंग लैब भी खोली जाएंगी। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।